चित्रकूट में योगी सरकार का आदेश अधिकारियों के ऊपर बेअसर दिखाई दे रहा है। ओवरलोड वाहन सड़क पर खुलेआम दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने की जगह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। शासन ने ओवरलोड वाहनों के लिए तमाम गाइडलाइन जारी की है, लेकिन अधिकारी शासन के गाइडलाइन का पालन कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकारियों और वाहन मालिकों की मिली भगत से सरकार को लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। योगी सरकार में खनन माफिया द्वारा खुलकर ओवरलोडिंग का खेल खेला जा रहा है। भरतकुप के ग्रामीणों का आरोप है कि खेत के पास लगे क्रशर प्लांट से उनकी फसल दिन ब दिन बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है। कई बार आला अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद हालात जिसके तस बने हुए हैं। चल रहा है, मैंने RTI के तहत मांगा था और जो कि चिट्ठी मेरे को प्राप्त हो गई है 2131 डाटा संख्या इसका, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि हैवी ब्लास्टिंग करके और मानक के विहीन काम हो रहा है। बिना मानक के ब्लास्टिंग हो रही है, 4 इंची होल हो रही है। आप देख रहे हैं पीछे कि 4 इंची होल लगाए जा रहे हैं। हैवी पोपलाइनों मशीनों से और बड़ी बड़ी मशीनों से इसका ब्लास्टिंग हो रही है। 4 इंची चल रहा है यहाँ, ओवरलोड चलता है गाड़ी ट्रकों में। और किस तरह का यहाँ पर नदी से विद्यालय के सामने से ओवरलोड गाड़ियाँ जाती हैं। और विद्यालय में किस तरह का प्रभाव पड़ता है? प्रदूषण से। और इसमें क्या होता है विद्यालय में? नहीं बराबर बन पाते हैं, मतलब कोरोना काल के चक्कर में। नहीं नहीं, ये जैसे जिस समय विद्यालय खुला रहता था तो जब ब्लास्टिंग होती थी तो ब्लास्टिंग से कोई ज्यादा यहाँ पर विद्यालय।